तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है गन एंड गेमिंग यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में जो आपको एक नॉर्मल प्लेयर से प्रो प्लेयर बना देगी। बस यार, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं होगा यार, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, क्योंकि आज की हमारी वीडियो बहुत ही बेहतर होने वाली है, बहुत ही तगड़ी वीडियो होने वाली है। और फ्रेंड, मैं आपसे दावा करता हूँ यार कि इस वीडियो को आप देख लोगे ना, उसके बाद आपका गेम प्ले ना यार एकदम से बदल जाएगा, एकदम हिल जाएगा भाई। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा यार, क्योंकि यार वीडियो आप सब देखते नहीं हो और आप कहते हो यार मैं फ्री फायर का लवर हूँ, मुझे फ्री फायर में प्रो प्लेयर बनना है, मुझे प्रो हेडशॉट मारने हैं। बट यार ऐसा कुछ नहीं यार, जब तक आप वीडियो को पूरा देखोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा यार कि आखिर मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यार हम लेट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने लॉबी की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी सेटिंग है जिसको आप यूज़ करके एक तगड़े प्लेयर बन सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने फ्री फायर की लॉबी में, और अब मैं आपको बताऊंगा ऐसी सेटिंग्स जिसको आप यूज़ करके एक प्रो प्लेयर बन सकते हो और आपका नॉर्मल गेम प्ले यार एकदम तगड़ा वाला गेम प्ले हो जाएगा। और आप कहोगे हाँ भाई, आपकी सेटिंग तो यार 100% वर्क कर रही है। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं 100% वाली बात ही करता हूँ। और फ्रेंड्स, आप यकीन रखो यार मुझ पर कि मैं आपको जो आज सेटिंग बताऊंगा ना, ये सेटिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। बट आप इसका सही यूज़ करना, सही तरीके से यूज़ करना, और उसके लिए यार आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो वेट मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में बने बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करो, जिससे हमारी कोई भी बेहतरीन वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और मैं बताता हूँ यार आपको सेटिंग्स यार कैसे आप एक प्रो प्लेयर बन सकते हो। तो यार चलते हैं यार अपनी सेटिंग की तरफ, और जो हमारी पहली सेटिंग होने वाली है वो है यार, आपको नॉर्मली आपके सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर से अपने आपको नॉर्मल कंट्रोल में जाना होगा। और यार कंट्रोल में जाने के बाद आपको सबसे ऊपर दिखेगा एम प्रिसीजन का ऑप्शन, जो कि नॉर्मली आपका डिफ़ॉल्ट पर होगा, बट यार उसको आप फुल कंट्रोल पर कर दोगे। ओके, आपको फुल कंट्रोल पर उसको करना है। और अब आप मुझसे पूछोगे कि यार फुल कंट्रोल करने से क्या होगा मेरे गेम प्ले में, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप एम प्रिसीजन को फुल कंट्रोल पे करते हो, आपका एम स्टक होना बंद हो जाएगा। जो आपका एम स्टक बॉडी पे हो जाता है वो 100% तुरंत ही बंद हो जाता है। और जैसे ही आप इसको फुल कंट्रोल पे करोगे वो बंद हो जाएगा और आपका हेड शॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हुई हमारी टिप नंबर वन। अब हम बात करते हैं टिप नंबर सेकेंड, जो कि यार काफ़ी अच्छी होने वाली है। बस यार आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आप समझ जाओगे कि हाँ यार ये सारी सेटिंग्स मुझे पहले ही ऑन करनी चाहिए थी। बट यार कोई नहीं, आपका भाई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो चलते हैं यार अपनी टिप नंबर सेकंड की तरफ, जो कि यार फिर से हमको अपने सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद फिर से हमको नॉर्मल कंट्रोल पे जाना होगा। और फिर से कंट्रोल में जाने के बाद आपको यार एक यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आपको दिखेगा क्विक रिलोड का ऑप्शन। ठीक, ये नॉर्मली आपको ऑफ मिलेगा, बट यार इसको आपको ऑन कर देना है। अब यार इससे क्या हो गया यार, इससे ये हो गया यार कि जब भी आप गन या सामने वाले बंदे को एम करते हो तो आपकी यार जो गोली हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, तो आपको यार रिलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, आप टाइम टेकन हो जाता है रिलोड करना, और तब तक में आप सामने वाला बंदा आपको नॉक कर देता है। तो यार जब आप क्विक रिलोड कर दोगे तो यार जैसे ही आपका एमो ख़त्म होगा वैसे ही ऑटोमेटिक काफ़ी फास्ट रिलोड हो जाएगा। तो इससे आपको काफ़ी आसानी मिलेगी आपके गेम प्ले में और काफ़ी अच्छा होगा आपका गेम प्ले। तो ये थी हमारी टिप नंबर टू। और अब हम चलते हैं टिप नंबर थर्ड की तरफ, जो कि वाकई बहुत दमदार है यार। तो यार वीडियो को यार एंड तक बस देखते रहना और आप खुद समझ जाओगे कि क्या करना है। तो फ्रेंड, नॉर्मली आपको फिर से अपने सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद आपको फिर से आना होगा ऑटो पिकअप में। तो ऑटो पिकअप में आपको सबसे नीचे दिखेगा यार ऑटो पिकअप स्पीड, जो कि नॉर्मली यार डिफ़ॉल्ट स्पीड होती है। बट यार आपको डिफ़ॉल्ट स्पीड पे नहीं खेलना है। अगर आप डिफ़ॉल्ट स्पीड पे खेलते हो तो यार जो आप बंदों से यार जब भी लूट करते हो तो आपका पिकअप करने में बहुत समय लग जाता है। जब भी आप उसको उठाते हो बहुत समय लगता है। इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, जब आप पिकअप करते रहते हो सामने वाला बंदा आपको नॉक डाउन कर देता है। तो यार आपको ऑटो पिकअप स्पीड फास्ट पे करनी होगी। इससे क्या होगा यार, जब भी आप लूट करोगे ना यार, तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा और बहुत जल्दी आपको लूट आसानी से आप उसको लूट कर सकते हो। और इससे क्या होगा यार, सामने वाला बंदा आपको एम नहीं कर पाएगा। और अब हम पढ़ते हैं यार अपने फोर्थ टिप की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यार नॉर्मली आपको फिर से अपने सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग में जाने के बाद आपको अपने ग्राफिक्स में आना होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका मोबाइल 4GB का है, 6GB का है, तो आपका यार ग्राफिक्स देखना यार स्टैंडर्ड पर रखना यार। अल्ट्रा पे भी आप कर सकते हो, अगर आपका फ़ोन काफ़ी अच्छा है तो आप अल्ट्रा पे कर दो। बट यार आप नॉर्मली इसको स्टैंडर्ड पे रखना,
और अपना फ़िल्टर यार चेंज कर देना, क्लासिक से हटा के ब्राइट पे कर देना, ओशियन में कर देना, किसी पे कर देना, बट फिल्टर चेंज कर देना। उससे क्या होगा यार, आपका सामने वाला जो बंदा यार वो आप उसको सही से एम कर पाओगे उसके हेड को, तो इससे आपको काफ़ी आसानी मिलेगी यार गेम प्ले में और हेड शॉट मारने में। और यार अब हम चलते हैं अपने टिप नंबर 5 की तरफ। यार फिर से आपको नॉर्मली अपने सेटिंग में आनी होगी, सेटिंग में आने के बाद फिर से आपको अपने कंट्रोल्स में जाना होगा, और कंट्रोल्स में आने के बाद यार नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यार नीचे आपको मिलेगा एक हिट मार्कर का ऑप्शन। यार इससे क्या होता है यार, जब भी जो आपका एम होता है यार वो बंदे पे असिस्ट नहीं हो पाता यार, तो हिट मार्कर को आप नॉर्मली आप क्लासिक पे कर दो, इससे आपका यार जो एम है ना यार वो काफ़ी ज़्यादा बंदों के हिट पर ही स्टक होगा, और आपको काफ़ी आसानी मिलेगी यार किसी भी बंदे को नॉक डाउन करने में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी कुछ बेहतरीन टिप्स, तो यार आप इसको यूज़ करो और चैनल पे अपने भाई के चैनल पे आओ और कमेंट करके बताओ यार कि क्या आपके गेम प्ले में इसका वर्क अच्छा हुआ है, या जैसा भी हो यार आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स ये भी कमेंट करना कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी किस चीज़ के लिए लेकर आऊँ। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करो, और यार पास में बने बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करो जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो वेट मत करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।